भाई सब अल्लाह से मोहब्बत का दावा नहीं कहता, सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, हम दावा तो नहीं कर सकते। सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं हम। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान को अल्लाह ने ना माहौल का पाबंद बनाया है। ये जब जैसे क्योंकि पानी से बना हुआ है ना, पानी को आप फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे तो बर्फ बन जाएगा, पानी को उठा के आप आग में डाल देंगे तो ये जलाना शुरू कर देंगे तो ये उबलना शुरू कर देगा। इसी तरह हम भी माहौल के पाबंद हैं। अच्छे माहौल में बैठते हैं, अल्लाह वालों के माहौल में बैठते हैं तो ईमान बनता है। अब ये ईमान हमसे फिर वो नेकियां कराता है जो हमसे पहले जानने और जानने मानने के बावजूद नहीं होती थी। वे कौन मुसलमान जानता है नमाज नहीं छोड़नी, सब जानते हैं, छूट जाती है। ये नॉलेज की कमी नहीं है, ये नॉलेज की एजुकेशन की कमी नहीं है, ये ईमान की कमी है। क्योंकि ईमान खर्च होता है जैसे माल खर्च होता है। देखो, गाने बजाने से अपने आप को बचाना, गाने की आवाज तुम्हारी कान में गई तो समझो निफाक का बीज वहां पर डाल दिया तुमने। मैं आपको कैसे बताऊं मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये मत बोलो गाना सुनने से क्या होता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। खुदा की कसम, ये वो जहर है जिसके अंदर जाने का भी पता नहीं चलता और इसके होने वाले नुकसान का भी पता नहीं चलता। मैंने आपसे शुरू में कहा था कामयाबी अंदर का बनना है, बाहर का बनना नहीं है। बाहर तो नजर आ रहा है गाना सुनने से क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हारी अंदर की दुनिया तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मलिया मेट हो गई। जितना कमा कर लेकर गए थे सिफर पटा सिफर हो गए। कोशिश करो हत्तुल इम्कान, तीन चीजें बता रहा हूं, म्यूजिक, टेलीविजन, अखबार। वो म्यूजिक में नया नया आया ना तो मैं बहुत ऐसी बातें बहुत बुरा गाता था। तो जब मैं स्टूडियो में जाता था तो वो जो बेचारा रिकॉर्डिस्ट था, अब रिकॉर्ड ये लोग बड़े पेशेंट किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि ये तो कोई किसी अच्छे सिंगर को थोड़ी ये लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, को हर बंदा को नूरजहां को थोड़ी रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो तो मेरे जैसे खड़े होते हैं सामने। तो लेकिन क्योंकि म्यूजिक सुन सुन के इनके कान पक्के हो चुके होते हैं, सुर पे इनके कान पक्के हो चुके होते हैं, तो ये जो बेचारे बुरी सुनते हैं तो बस सिर्फ इनकी ना सिर्फ इनकी शक्ल से पता चलता है कि यार किस अजियत से ये बेचारा गुजर रहा है, बोलता कुछ नहीं है वो। अब मैं उधर गा रहा, बेचारा सुन रहा। आखिर कोई हर इंसान की एक लिमिट होती है, ठीक है ना। तो मैं जब बोलता था ना तो मैं कहता था चेक चेक। एक दिन बहुत बहुत ही बुरा गा रहा, मैं कह रहा चेक, तो आगे से कहता है जड़ा कदी कैश नहीं होना। तो मैं कह रहा मेरा दिल बदल दे जड़ा कदी, बदलना कोई नहीं, पर चलो बदलना है, नहीं बदलना, बदलना है, इसीलिए तो आए हैं यहां पर।